सुबोध कुमार शुक्ला साहब संजय कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल में नमस्ते मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं श्री सुबोध कुमार शुक्ला का ज्येष्ठ पुत्र हूँ मेरी हिंदी बेहद कमज़ोर है पर मैं आज कोशिश करूँगा कि अपनी बात हिंदी में कह सकूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने इंग्लिश में पढ़ाई की थी पर हिंदी में प्रदेश सेवा की मेरे डैडी जिन्हें आप शुक्ला जी के नाम से जानते हैं हमेशा से ही बेहद सरल शांत और जिम्मेदार स्वभाव के रहे हैं खैर मैं आपको उनके बारे में क्या बता सकता हूँ आप उनको मुझसे बहुत पहले से जानते हैं मैं केवल अपना निजी अनुभव और नजरिया बांट सकता हूँ डैड हमेशा से एक मील का पत्थर थे हमारे लिए उनके जैसा अपनी निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों को निभा पाना बस एक सपना था जो कि कभी कभी हताश भी करता था आज के सुकून में हम वो दिन भूल सकते हैं जब निजीकरण का संकट हर वक्त छाया था अदलती बदलती सरकारों में नौकरी में भी चर्चा नहीं थी पर शायद डैडी की स्लो एंड स्टडी फिलॉसफी ने जीत हासिल कर ही ली हाँ इसके लिए उन्होंने बहुत दवाई खाई और बहुत आते ट्रेन के इंतजार में काटी पर शायद इसी में उनको रोमांच मिलता था वरना क्यों डैड हर मीटिंग के दिन आधी रात में उठकर तैयारी करने लग जाते बल्कि मैं सभी के योगदान की प्रशंसा करूँगा आज अगर हर गांव बिजली पहुंची है तो इसमें आप सभी के जीवन भर का योगदान है बल्कि बिजली विभाग से जुड़ा हर परिवार अच्छे आचरण का प्रतिरूप है और ऐसा मुझे अपने उन मित्रों में भी नजर आता था जो कि मुझे स्कूल कॉलेज में मिले और उनके परिवार सदस्य बिजली विभाग में काम करते रहे एक दिन तो सेवानिवृत्ति होनी थी पर आज भी आप सब ज्ञान के सागर हैं आप में सेवा भाव है और वो आत्मनिर्भर युवा जिसने अपना सफर साइकिल से शुरू किया था पर हम सबको हवाई जहाज तक पहुंचाया आशा करूंगा कि हम हमेशा एक परिवार की तरह रहेंगे और प्रदेश और देश सेवा करते रहेंगे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया
संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिर। ये संजय, आज 31 दिसंबर को तुम रिटायर हो रहे हो और इस रिटायरमेंट पे तो हमारी और तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज इस अवसर पर जो है कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं, जब हम लोग सब छोटे हुआ करते थे और क्लेशवार के मकान में रहा करते थे, तो वहाँ पे उस जमाने में जो है इंटरनेट और मोबाइल वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, ना ही टेलीविज़न वगैरह होता था। बस घर के बाहर सड़कों पर खेला करते थे यार दोस्तों के संग, और घर के बाहर थोड़ी बहुत जगह थी उसमें खेल लिया करते थे। और सारे पड़ोस के जो लोग होते थे अगल बगल के, वो सब चाचा और बुआ होते थे। आजकल की तरह कोई आंटी अंकल तो हुआ नहीं करते थे, उन लोगों का बड़ा आपस में मिलना जुलना हम सबका हुआ करता था। एक चीज जो अब याद आती है वो ये है कि तुम्हें पतंगबाजी का बहुत शौक था। शौक तो हमें भी था, पतंगबाजी तो हम भी बहुत करते थे, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल जैसे जुनून था पतंगबाजी का, हर वक्त छत में चढ़े रहते थे पतंगबाजी करने के लिए। और उसी पतंगबाजी के चक्कर में जो है पड़ोस में तुम्हारा प्यार परवान चढ़ा, और आज वो जो है तुम्हारी पत्नी है नीरू, और तुम्हारा एक सुखी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हो। पतंगबाजी के लिए हम लोगों को डांट भी खूब पड़ा करती थी दादी से, उन्होंने कई बार पतंगे भी हम लोगों की जलवाई, लेकिन तुम ना माने, हर वक्त पतंगबाजी करते थे। शादी के बाद भी बहुत पतंगबाजी की तुमने की, हर इतवार को याद है मुझे भाग जाया करते थे गोमती किनारे अपना कनकैयाबाजी करने। एक चीज जिसका हमें बहुत गर्व है वो ये है कि तुमने अपनी नौकरी जो है बहुत ही ईमानदारी और अथक परिश्रम से जो है बिताई, और जिसके लिए तुम्हें विभाग में भी अपने बहुत सम्मान मिला, और आज तुम सम्मानपूर्वक रिटायर हो रहे हो। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सरकारी नौकरी आदमी ईमानदारी से करके सम्मान से कर ले और सम्मान से रिटायर हो जाए, इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नौकरी में है नहीं। तो आज हमें और तुम्हारी भाभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि तुम बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से रिटायर हो रहे हो। ईश्वर करे तुम्हारा भविष्य खूब उज्ज्वल हो, तुम अपने घर परिवार में अपनी पत्नी के साथ बच्चों के संग खूब सुखी रहो और खूब नई नई ऊँचाइयाँ छुओ, यही तुम्हारी कामना है। नमस्कार मित्रों, मैं संजय अग्रवाल जो आज आपके बीच से विदा ले रहे हैं, उनका बचपन का साथी हूं संजीव अग्रवाल। संजय अग्रवाल मेरे बहुत ही अभिन्न मित्रों में से एक हैं, और हम लोग का बचपन एक साथ करीब 25 वर्ष हम लोगों ने साथ साथ अपने बचपन के गुजारे हैं, खेलकूद से लेकर पढ़ाई लिखाई और नौकरी तक लग जाने तक करीब करीब हम लोग साथ में ही रहे हैं। इस बीच काफ़ी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं हम लोग के साथ में, और आ चुकी वो अपने सर्विस कार्यकाल से मुक्त हो रहे हैं,
तो मेरी शुभकामनाएं उनके और उनके परिवार के लिए कि आगे आने वाला उनका समय सामाजिक कार्यों में लिप्त हों वो, और समाज को उनकी जरूरत है, परिवार को अब उनकी जरूरत है, तो वो उस कार्यों पे ध्यान दें। संजय एक बहुत ही सौम्य, सरल, शांत स्वभाव व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और जो संबंधों को समझने और उसको निभाने में विश्वास रखते हैं। बचपन की बहुत यादें हैं, बहुत हम लोगों ने तमाम तरह के गेम जो आजकल की खेल उझल हो चुके हैं, जो बच्चों को मालूम नहीं है, तमाम हम लोगों ने खेल, कंचा, गोली जिसको कहते हैं, लट्टू, बाकी तो क्रिकेट और ये सब तो आजकल प्रचलित हैं अभी भी, लेकिन ये जो ओझल हो चुकी चीजें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो कंचा खेलने में भी ये बहुत महारत हासिल रखते थे। और खेल के साथ साथ हम लोग की शरारतें भी बड़ी मशहूर थी, चाहे पड़ोस के मकान से नारंगी और अमरूद तोड़ना हो, या जन्माष्टमी सजाने के लिए हम लोग को पहाड़ी पत्थरों की जरूरत पड़ती थी, तो उसको चुराने के लिए हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर पैदल या साइकिल पर निकल जाते थे और मकानों से तलाश कर करके वो पत्थर चोरी करके लाया करते थे, जिसकी यादें अभी भी जहन में ताजा हैं। तो आज आपकी विदाई है, साल दो साल के बाद हम भी अपने कार्य क्षेत्र से विदा लेके आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सामाजिक कार्य शुरू करें, ताकि जब मैं मुक्त हूं अपने कार्य से तो मैं आपके साथ जुड़ूं, और मेरी और मेरे परिवार की शुभकामनाएं आपके भावी सेकेंड इनिंग के लिए हैं। धन्यवाद। दिस इज माई सेल्फ दीपक कौसर, आई एम ए चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर संजय अग्रवाल, प्रीवियसली वो लिव्स इन द क्ले स्क्वायर। संजय के बारे में मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ आप लोग से। बचपन में हम लोग साथ खेल कूद के बड़े हुए, और संजय की क्वालिटी की थी क्रिकेटर बहुत अच्छा था, इस पर्टिकुलर स्पिन बॉल बहुत अच्छी करता था वो, और उसके साथ साथ उसको पतंगबाजी का भी बहुत शौक था, और उसी पतंगबाजी ने उसको किसी से बॉन्ड कर दिया, जिससे कि वो बाद में उनका लाइफ पार्टनर बन गई वो। और संजय के साथ एक अच्छी बात बताऊं या खराब बात आपको लगे, उनका छत पे जाना और फिर बगल वाली छत पे जाके पतंग उड़ाना, पेच लड़ाना, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। और बाकी संजय आप अपना रिटायरमेंट लाइफ जीने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना आगे का जीवन बहुत ही सुख में और शांति से बिताएंगे। और एक चीज अच्छा मैं भूल गया कहना, एक चीज और, मैं संजय इज ए वेरी सिंपल एंड जेन्यून पर्सन, और बस इसके आगे मैं और क्या कहूँ, हम लोग की मुलाकातें आगे होती रहेंगी। धन्यवाद। Oh, oh, oh.
आई नो आप सरप्राइज हो रहे होगे कि हम आपके साथ खड़े हैं और फिर यहाँ पे भी कुछ बोल रहे हैं, बट जस्ट टू वॉर्न यू दो आई एम ट्राइंग टू कीप माई टीयर्स अवे एंड आई मेक श्योर आई एम क्राई, बट आई एम ओवरवेलम्ड व्हेन आई एम सेइंग दिस एंड यू नो ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड एंड माई लव फॉर यू थ्रू दिस मैसेज. यू नो यू आर अ सुपर हीरो, डेफिनेटली अ सुपर हीरो, अ सुपर डुपर पर्सन इन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ एंड आर आर हीरो. You know, I'm sure you've gone through a lot of things, lot of feelings, lot of adjustments and sacrifices, but you made sure that we never came to, you know about it. You protected us from all of it, and that has shaped your personality in a strong way, and definitely we have also learned a lot that ways. You've managed house and work both so well, so well. I guess I get my multitasking skills from you. And yes, I have so many memories about you, but I think the fondest one would be, fondest and a petrified one would be, I was scared to study maths from you. I know you love number crunching, but it used to scare the hell when you used to say, get your maths book, and I'm like, nahi, I don't want to study maths from you. So yeah, I mean, I think that is when I realized that, you know, how passionate and compassionate both you are. And they say that a girl's first man is her father, and that's true. You'll always be the man, the person of my life, and I love you so much. Thank you so much for everything. I'm really grateful to you, and I'm trying more and more to be more balanced, more hardworking and determined the way you are. So enjoy this phase. I wish you a lot of happiness, lot of good health, and be as active as you are. Keep running around the way you are, and make sure mama also runs equally with you. Okay, bye. Hello papa, first of all I am very sorry that I am not standing with you today on this special day. I have known you for few years, but it seems forever because of the love and warmth that you have always given me. I have always seen you work with full dedication and sincerity in whatever you do, and that's what makes you a role model for all of us. I have never seen you crib or fret about anything, and that makes your presence so wonderful, and we love being in and around you all the time. You have a very poised and calm personality and a very charming one at the same time, and that what I guess floors everyone in office, in your society, or I would not name any specific person. And I would want to see you continue creating such joyful and cheerful memories with us, and we are privileged to be part of those memories and being with you. And soon we'll meet, and I'll see you on the badminton court in Lucknow. Bye for now, and love you always. Hi Papa, I just have a lot to say to you in this video, but I know that words will fail me, so I'll try to keep it short. Papa, you're a wonderful, very hardworking and dedicated person. You've been an inspiration to us. You have always maintained a balance in your work life as well as your personal life. And trust me, we owe everything to you. You inspire us, truly. And I will consider myself very, very lucky if I'm able to imbibe even half of the good qualities that you have. So I would like to wish you a very heartiest congratulations for a new phase of your life. You have to relax, you have to enjoy it to the fullest, and you have to gear up to face a tougher boss at home. See you soon, Papa. Love you. साथियों, इसे मैं अपना बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ कि श्री संजय अग्रवाल जी के रिटायरमेंट दिवस पे आज मुझे कुछ विचार व्यक्त करने का मौका मिला। श्री संजय अग्रवाल जी बहुत ही सरल और प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, जो उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है। क्वालिफिकेशन से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने यूपीएससी भी सन 1985 में एज एन अकाउंट्स ऑफिसर ज्वाइन किए। 33 साल की इस लंबी सर्विस के बाद आज वो डिप्टी जनरल मैनेजर की पद से रिटायर हो रहे हैं। श्री संजय अग्रवाल जी बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड और बहुत ड्यूटी के प्रति सिंसियर व्यक्तियों में से एक है।
अब उनकी निजी जीवन में भी अगर देखा जाए तो वो बहुत ही सरल और सिंपल किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्हें बड़ों का आदर करना, बच्चों के साथ बच्चों की तरह बातें करना, हर एक के माहौल में एडजस्ट हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने प्रोफेशनल कैरियर में इतनी कामयाबी हासिल करी और समाज में निजी जीवन में अपने लोकप्रियता हासिल करी, मैं तो ऐसे व्यक्ति को एक कामयाब व्यक्ति कहूँगा। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके बचपने का मित्र भी हूँ, उनके साथ खेला हूँ और आज उनका रिश्तेदार भी हूँ। जीवन की आपाधापी में, दौड़ भाग में जिम्मेदारियाँ पूरी करते करते रिटायरमेंट का दिन कब आ जाता है ये आदमी को पता ही नहीं लगता। उसके पैशंस, उसकी हॉबीज उससे दूर धीरे धीरे छूटती रहती हैं। रिटायरमेंट की लाइफ जब आती है तब उसके बाद आदमी को अपना पैशन और उसका हॉबीज वो फॉलो करे और अपने जीवन को, अपने रिटायर्ड लाइफ को खुशनुमा बनाए, ये उसका प्रयास होना चाहिए। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी रिटायर्ड लाइफ, पीसफुल रिटायर्ड लाइफ लीड करें। मैं शिवराज खन्ना अपनी और अपने परिवार की ओर से उनके स्वस्थ और दीर्घायु की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। करना चाहिए तो सबसे पहले जो है, हेलो, आदरणीय गोदी साहब, तेजेश्वर मित्र साहब और मेरे सभी भाइयों, विशेष रूप से आमंत्रित श्री सुबोध शुक्ला जी, उनका परिवार, श्री संजय अग्रवाल, उनका परिवार और आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ में नव वर्ष की आपको सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज का यह कार्यक्रम श्री संजय अग्रवाल और श्री सुबोध शुक्ला जी के स्थानांतरण के बाद एक अट्रंप का कार्यक्रम बना था। इसको हम लोग कोई विदाई का कोई समारोह नहीं मना रहे, इसको हम लोग केवल गेट टुगेदर मना रहे। और इसमें एक औपचारिक स्वीकृति चाह रहे हैं कि मतलब जो है हमारे निदेशक के साहब से अनुरोध है और भाभी जी से अनुरोध है, आदरणीय द्विवेदी भाभी जी से, वो कृपया आए और जो ये जो सेवानिवृत्त होने वाले हमारे बंधु हैं इनको बुके दे करके स्वागत करें और इनका जो है सम्मान करें। सहयोगी यस, एक फोटोग्राफ खूबसूरत पलों को, मेमोरीज में जो है इसको अवश्य खूबसूरत पल मेमोरीज में कैद हो गए। आनंद लें। नॉन वेज एक जगह रखे गए हैं, जिसको चाहिए रिक्वेस्ट करके मंगा लें या यहाँ से कलेक्ट कर लें, रिक्वेस्ट करके मंगा लेगा। और एक जगह रखेंगे यहाँ से कनेक्ट करते हैं। नॉनवेज स्नैक्स यहाँ रखे हुए हैं और ये सब आप लोगों के लिए उपलब्ध है। Thank you.
इनको राजी किया गया था कि आप ये चश्मा उतार के आए। ये कह रहे थे यही तो चश्मा है जिससे हम कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और उसके अंदर किसी को पता भी नहीं चलता क्या कर रहे हैं। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी गई लोगों से कि आप जो है काला चश्मा उतार के ही आएंगे और अपना नॉर्मल चश्मा लगा के यहाँ आएंगे। तो इन्होंने खैर उस बात को मान लिया। अब जहाँ तक निगाहों का सवाल है कहीं पे निगाहें, तो वो संजय अग्रवाल साहब ने एक काम किया, हमारा बादशाह तो जरूर लिया फोन करके घर पे कि कैसा है क्या है, लेकिन हमारे मिसेज को जो है तब तगड़े से भड़का दिया, भाभी जी बहुत ध्यान रखिएगा अब ये दीवार के आर पार भी देखेंगे। बिल्कुल चल रहा हूँ योगदान दे दिया, पर तो कुछ कहीं कम तो नहीं पड़ा, ज्यादा के लिए नहीं कोई सोचते, वो उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कहीं प्रभात कुमार गुप्ता जी तो सारे खर्चों को विदाउट करने में कहीं कुछ उनको अपनी जेब से तो नहीं लगाना पड़ गया, केवल उनकी ये वो रहती है। तो उस पर मैं उन्हीं से चाहूंगा प्रभात जी आए और जो 2 मिनट के लिए संक्षेप बता दें कि क्या अभी जो पिछली पार्टी हुई थी उसमें करीब 1,45,000 का कंट्रीब्यूशन आया, जिसमें 1,29,000 खर्च हो चुका है, उसमें 16,000 बचे जिसको इसमें ऐड कर लिया जाएगा। और फिर इच्छा है कि पार्टी एक बार आयोजित की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हिसाब करने के लिए बहुत समय पड़ा। यहाँ आप जिस उद्देश्य आए उस उद्देश्य की बात करिए, और कमी वैसी होगी तो बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं वो अकेले पूरा कर देंगे। इसकी चर्चा आज के बाद मैं ये चाहूंगा कभी ना की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपका अगला कार्यक्रम है, आपका मार्गदर्शन के बारे में काफी दिन से रहती है वहीं से हमारे घर से, तो वो जो है भाभी जी से मैं चाहूंगा। वेट प्लीज वेट। मैं संजय अग्रवाल की वाइफ नीरू अग्रवाल आज आप सबको थैंक्स देती हूँ कि आप लोग ने जो भी संजय के लिए किया या अब तक करते आए या जो उनके साथ सहयोग रहा वो बहुत ही अच्छा था, और हमारे साथ तो है ही 33 साल का, और बाकी आगे की सेवाएं जो भी आप लोगों को ज़रूरत होगी वो अवश्य संजय आप लोगों के साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं है, जरूर हम लोग हम सफर हैं, लेकिन जरूर वो हम लोग एज ए फ्रेंड हैं, और हम लोगों का जीवन बराबर फ्रेंड्स की तरह, और बच्चों की देखभाल और संजय का ऑफिस में जैसा कि बोला है कि बैलेंस्ड होके चलते हैं, और काम तो वो है ही नो डाउट, और मैं चाहती हूँ आगे उनका स्वास्थ्य और बिल्कुल ठीक ठाक रहे वो, और बच्चों को भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमको और जितनी आपसे। शुक्ला साहब का जीवन कैसा रहा, शुक्ला साहब को कैसे उन्होंने जो है भाभी जी ने कैसे उनको सपोर्ट किया, क्योंकि बिना सपोर्ट के हम सब कोई भी आदमी दफ्तर में काम कर नहीं सकते हैं, ये तो तय है, क्योंकि दफ्तर हम लोगों का इतना डिमांडिंग है कि दफ्तर हम लोग घर जाते हैं केवल खाना खाते हैं सोते हैं, हम लोग एकदम सोशलाइजेशन हम लोगों के लिए एक चैलेंज बन जाता है। और शुक्ला जी के बारे में मैं जानूँ हमसे ज़्यादा तो आपके साथ गुजारी जिंदगी शर्दी तो सुबह ऐसे दूसरे मुझे बन के तैयार होते जैसे ज्वाइनिंग का ही दिन पहला दिन है, जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन भी वो उसी उत्सुकता से
वैसे ही डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनके बारे में क्या कहें। ठीक है, बाकी आप लोगों का सहयोग उनको हमेशा मिलता रहा, सबकी घर पर तारीफ ही करते थे। ये उनमें बड़ी खास बात थी, घर पहुँचते ही अगर किचन के पीछे खड़े हो के एक एक नाम लेके जो शायद फाइलें भी मिला के घूमती थी। तो बस ठीक है, बाकी आप लोगों ने अरेंजमेंट किया बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक तो पूरी शाम को रिपोर्टिंग क्या किया और क्या नहीं संजय गवा साहब का, तो वो पूरा मतलब टाइम शेड्यूल के हिसाब से रिपोर्टिंग कितने बजे नाश्ता किया, कितने बजे फ्रूट्स किए। और ये मैं एक और विशेष रूप से भावित करना कहूंगा कि हम लोग जो है इतना चिढ़ाते संजय जी को, लेकिन संजय जी का जो व्यक्तित्व में सबसे खूबसूरत चीज, अगर कहीं कोई एक चीज कही जाए तो कोई एक चीज कही है कि सबसे खूबसूरत इनके व्यक्तित्व में क्या है, वो है इनकी मुस्कुराहट, इनकी गजब की मुस्कुराहट है। वो जो है उस मुस्कुराहट के आगे बड़े बड़े जो है डाउन करते हैं। तो जब भी भाभी जी का फोन आता था किसी भी काम के लिए, तो हम लोग दूर से हम लोग बोलते थे, अरे संजय कुछ खाया नहीं, क्या खाया क्या नहीं खाया। एक बार की जो घटना है कि गर्मी के दिनों में बहुत प्रचंड लू चल रहा था, मैं दफ्तर से निकल रहा था कहीं जाने के लिए, तो भाभी जी मुझे आते हुए दिख गई, संजय जी का ही चपरासी जुगल वो आता दिखा। तो भाभी जी ने ये रिक्वेस्ट किया कि पन्ना जब खाली हो जाए तो उसको फ्लास्क को धुल करके मंगवा दीजिएगा। तो जुगल को मैंने समझाया भाभी जी के सामने कि संजय साहब के पास जाना, इसको पिला देना, उसके बाद धुल करके ले आना। और हम लोग यहीं पर बात कर रहे हैं, हम और भाभी जी वहीं पर गप्पे करने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद जुगल जब आया दौड़ता हुआ, वो रबड़ की चप्पल पहनता था और सीढ़ी से दौड़ता हुआ चलता था। संजय जी बहुत अच्छी यादें उसकी समेटे हुए हैं। और उसने जो है जब वो फ्लास्क दिया तो वो हम लोग सेटिस्फाइड हो गए कि चलो बहुत अच्छा हुआ। हमने पूछा उससे चपरासी से, तो उसने बताया जुगल ने कि वो तो आपने कहा था उसको फेंक करके धुल करके ले आओ। संजय जी के घर पे पहुंच गया। तो इस तरह की खूबसूरत यादों से हम लोग जुड़े हुए हैं। यादें हमेशा खूबसूरत होती हैं। उस समय जो तकलीफ की यादें होती हैं, उन यादों को कभी भी आप बात याद करिए तो वो हमेशा एक मीठा दर्द मीठा एहसास देती है, बहुत खूबसूरत यादें होती हैं। इसलिए इन यादों को हम लोग सजोने के लिए बार बार एकत्रित होते हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि लेडीज ग्रुप में से अगर कोई बोले, बिना भाभी जी कोई बोलेंगे प्लीज। संजय भैया और नीरू का मेरा बहुत दिनों का साथ है। हमारी शादी में भी संजय भैया और नीरू आए थे और उस समय सलोनी होने वाली थी और मैंने फोटोज में देखा नीरू और इनके लोगों के एक और फ्रेंड राकेश गुप्ता, वो दोनों लोग साथ में थे और दोनों की वाइफ प्रेग्नेंट। और बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि इस हालत में भी ये लोग हमारी शादी में सम्मिलित हुए थे। और हमेशा संजय भैया का सौम्य स्वभाव सभी को ही पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और नीरू जो कि बहुत मस्त है, बहुत मस्त है नीरू, इसने जो है सभी को हमेशा खुशी खुशी बांध के रखा है हम सभी को, तो हमेशा इसका साथ बना रहे, हम हमेशा यही चाहेंगे। और आगे की भविष्य में चाहूंगी कि जो है दोनों स्वस्थ बने रहे, इसी तरह आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, नीरू भी बहुत ध्यान रखती है, बल्कि संजय को तो वो अपना तीसरा बच्चा कह दिया।
हमारे मित्र पाल साहब हमारे पास खड़े हैं, ये जरूर अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री पाल संजय और सुबोध शुक्ला जी दोनों लोग अपने अपने विशिष्ट आचरण के कारण प्रसिद्ध हैं। जहाँ तक संजय जी की बात है तो शासन संबंधी सभी कार्य करते थे, वित्त के जितने भी कार्य होते हैं शासन संबंधी वो बहुत ही कुशलता पूर्वक करते थे। तो सब लोग संजय जी को ही याद करते थे और मुझे भी जब कोई पूछने आता था तो मैंने कहा संजय से पूछ लो और वो समस्या का समाधान हो जाता। और जहाँ तक सुबोध शुक्ला जी का बात है कि ये चाहे यहाँ लखनऊ में रहे बहुत समय तक रहे और बहुत ही संवेदनशील मामले ये टैकल करते थे, डीजीएम एडमिन के रूप में भी बहुत काम किया और फाइनेंस में रिलीज के रूप में बहुत काम किया। बहुत सारी गलतियां होती रहती थी किसी से भी, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे जूनियर वाला हो या कोई हो जब उससे बात आती थी तो उसका सब यही होता था शुक्ला जी तो गलती नहीं कर सकते, ये नीचे वालों ने वैसे पुट अप किया था उन्होंने साइन कर दिया। मतलब इनकी सिखाई का बहुत ही सज्जन और खुशी व्यक्ति थे और आज भी उसी लाइन पे रिटायरमेंट की एज तक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सुशील उसका व्यक्तित्व का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो भी कार्य उनके सामने आया है अपने जितना भी उन्होंने हो सका वो किया है, किसी पे किसी तरह का कि हम अनावश्यक रूप से उस पर आपत्ति करें या ना उसमें कोई भी कभी ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया। तो आज चाहे यूनियन हो या कोई भी हो उनकी तारीफ ही करता है। दूसरा अभी जैसे बीना भाभी ने कहा कि वो उनको अपना बच्चा ही समझते हैं संजय जी को, तो संजय जी शायद आपसे उम्र बड़े ही होंगे, सेवा में खो चुके हैं निश्चित रूप से, 60 साल क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा ट्रीट भी करना चाहिए नहीं ऐसा होता देखिए ऐसा हम डीके अग्रवाल जी ऐसा इसलिए नहीं कह सकते, सुनो डीके अग्रवाल जी ऐसा इसलिए नहीं कह सकते, आप हरिद्वार में जो पोस्टेड रहे हैं और वहां आपने देखा था एक समय था कि जब बाप रिटायर हो गया था बेटा रिटायर हो गया था बाप सर्विस कर रहा था उसकी एज कम थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रियल उदाहरण है कि व्यक्ति हो जाए उसके बेटे की उम्र ज्यादा लिखी हुई थी और उसके बाप जो सेवानिवृत्त हो चुका तो उसकी उम्र कम लिखी हुई थी और सेवानिवृत्त हो गया। तो पांडे जी कह रहे थे फ्रॉड भी करो, तो बस मुझे बस इतना ही कहना था, ये तो केवल एक उज्ज्वल भविष्य की और सेवानिवृत्त के बाद इनके बहुत सारे दायित्व होते हैं जो अपने परिवार के प्रति भी होते हैं और साथ ही साथ समाज के प्रति भी होते हैं, इनको भी अच्छी तरह से निभाएं और उस पे अपना समय दें, जो सेवा की अवधि में रहते हुए अपना समय उनको नहीं दे सके, और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं हम लोग 1985 में आए थे जैसे आपको सबको मालूम है, मेरी पहली पोस्टिंग शक्ति भवन के बाहर हुई थी, मैंने 90 में चार्ज दिया था शक्ति भवन में और तब से लगातार हमारा और संजय जी का साथ बना हुआ था। शायद बीच में 2 साल मैं हजरागंज गया था और 2-3 साल संजय कैस्को में गए थे, तो इस तरह से हम लोगों ने करीब 23 साल लगातार साथ में काम किया है।
संजय जी के साथ जब मैं दोबारा वापस आया हूँ हथुआगंज से 1999 उसके बाद से लगातार हम दोनों ने मिलकर फंड्स में बहुत काम किए। इस समय इस संदर्भ में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम UBPCL ने भारत में पूरे भारत में पहली बार किसी भी डिस्कॉम द्वारा 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स मार्केट में इशू किए गए जो कि आज तक इंडिया में किसी भी डिस्कॉम द्वारा जारी नहीं किए जा सके। और ये बॉन्ड्स में जब हम लोग मुंबई में रहते थे हम द्विवेदी साहब और हम लोग रात भर वहाँ बैठे रहते थे तो हम लोग को ये विश्वास रहता था कि जो फिगर जो डाटा हम लोग को चाहिए वो संजय जी से हम लोग को फौरन मिल जाएगा। और अगर शायद संजय जी ना होते या मतलब संजय जी का होने से हम लोग को ये कॉन्फिडेंस रहता था कि चाहे कोई भी डाटा रिक्वायर्ड हो वो हम लोग को फौरन मिल जाएगा और उसके कारण हम लोग 20,000 करोड़ के बॉन्ड निर्गत करने में सफल हुए। तो ये संजय जी की मेहनत और वक्त पे उनके कमांड को दिखाता है। और हम ही नहीं अभी जब चेयरमैन साहब से इनके रिटायरमेंट के बारे में बात हुई इवन चेयरमैन से जबकि इनकी मुलाकात बहुत कम होती है इवन ही अप्रिशिएटेड इस बार and because of some issues he is not able to do the extension but we are working on that then he comes back and regain his job there. So main iske alawa shukla ji ke sath hum log ne bahut lamba samay kaam kiya hai shukla ji bahut dedicated work unhone kiya hai रात के 8-9 बजे तक शुक्ला जी लगातार मेहनत करते रहते थे एंड वी ऑल अप्रिशिएटेड हिज वर्क उनकी लगन उनकी कड़ी मेहनत उनका सरल स्वभाव सभी को मालूम है। मैं इसी के साथ उन दोनों की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद श्री सहाय साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो कृपया अवश्य आए और इस पर जो है इस अवसर पर कुछ उत्साह व्यक्त करें। 1985 में हम लोग आए और तब से हमारे दोनों साथी लोग सुबह सुबह जी और संजय दोनों से साथ तो बना रहा। शुक्ला जी के साथ जो है मुझे काम करने का एक लंबा अवसर मिला। पहले जी के हमारे कलीग भी रहे और फिर बाद में हमारे साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया बहुत लंबा काम किया। जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो बात वो उनको कही जाती थी या जो भी उनका उनको करना होता था उसको पूरी लगन से और अपने साथ में जो अपने साथ जो सबॉर्डिनेट्स थे उनको भी इम्प्लीमेंट कराते वही उसमें कोई इनकी कोई कोताही नहीं होती थी और हमेशा इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। बाकी इनकी सौम्यता इनका सरल हृदय ये तो हम क्या मैं क्या मतलब हमारे सभी बैचमेट भी जो है इनको अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ तक संजय की बात है संजय मित्र तो हमारे सदैव रहे शायद लास्ट 2 महीने में मैंने उनके साथ जब फ्रांस में काम किया तो मुझे समझ में आया कि संजय की वक्त क्या है। और संजय से बात करने के बाद क्योंकि मैं तो फ्रांस में नया रहा हूँ और फ्रांस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मुझे नहीं रहा है तो संजय से बात करने के बाद मैं एश्योर हो जाता था कि नहीं अब इसमें क्या करना है और कैसे करना है। और संजय के रिटायरमेंट के बाद मैं सबसे ज़्यादा वायर अपने आप को फील करता हूँ कि अब जब संजय मतलब ऑफिशियली हमारे साथ नहीं तो साथ है हमारे साथ
तो मैं उसको पर्सनली अभी तक फील करता हूँ कि यार संजय, जब संजय से मैं बात कर लेता हूँ तो मुझे बहुत क्लियरिटी रहती है, ये इनका वो डेडिकेशन है, ये उनका वो समर्पण है, ये उनकी विशेषज्ञता है, जिसकी चाहे मैं डायरेक्टर साहब हूँ, चाहे गुप्ता जी हूँ, चाहे कौशल साहब, सबने इनके साथ किया है फाइनेंस में और फाइनेंस की इनकी स्पेशलाइजेशन रही है। तो मैं तो अब संजय को बहुत मिस कर रहा हूँ पर्सनली, है ना, और बाकी हमारे मित्र तो हमेशा रहेंगे और इनकी सौम्यता, मुस्कुराहट, ये तो हम लोग कभी नहीं भूलते, मतलब 85 से लेके अभी तक करीबन जो है 33 साल हो गए और आगे भी इनकी मुस्कुराहटें ऐसी बनी रहे, भाभी जी का भी जो है मुस्कुराहट हम लोगों को इसी तरह मिलता रहे, है ना, और बाकी मिसेज शुक्ला, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ हमारे शुक्ला जी की सेवानिवृत्ति पर, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि भाई ये ऑब्वियसली तो बहुत डेडिकेटेड रहते थे, अब शायद घर पर है उतने ही डेडिकेटेड होंगे एज ए हस्बैंड भी, ये मुझे बड़ा विश्वास है। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि डेडिकेशन के स्वभाव है, और भाभी जी का तो खैर देखिए इधर भी नहीं है, और उनका जो जीवन स्वभाव है वो तो हम लोग हमेशा फील करते हैं, बाकी संजय के तो संजय के मुस्कान के लोग हमेशा कायम रहे, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ, है ना, और इनके सुखद भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ। थैंक यू महोदय को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, आदरणीय भाभी जी भी सुन रही है, यहाँ पर जो है गिफ्ट भी हम लोगों ने छोटा मोटा किया है उसको हम लोग देना चाहेंगे, कपड़ा भी है और ये धन्यवाद बहुत बहुत वेलकम लोगों की शुभकामनाएं बधाई, इसमें शुक्ला जी सूट केस दे रहे हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू, इसमें आप कपड़े रखे, नीरू भाभी जी आ जाइए, पहले भाभी जी से रिक्वेस्ट है नीरू भाभी जी को एक ये तोहफा दें, ये हम सब लोगों की ओर से है, भाभी जी प्रतिनिधित्व कर रही है देने के लिए, थैंक यू, सबकी विशेष है, जी हाँ, और दो जी साहब से अनुरोध है तो संजय अग्रवाल जी को वो थैंक यू सर, आप बैठे हैं, आप सर अपना स्थान ग्रहण करें, भाभी जी स्थान ग्रहण करें, थैंक यू वेरी मच। हम लोग जो है उसने 31-12 को संजय अग्रवाल साहब का जब रिटायरमेंट हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग जनवरी में इस रिटायरमेंट की पार्टी मिलेंगे तो एक न्यू ईयर का गिफ्ट जो है एक ऐसा गिफ्ट दें सबको कि जो जिंदगी को महकाए, इसलिए लखनऊ के सुगंधकों की आपको सेंट जो है वो दी जा रही है, लखनऊ वाले सब जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की सेंट है, ये सभी को जो है देने के लिए ये कृपया ये बीच में चल रहा सर, अभी बोलने वाले और भी लोग हैं, हाँ हाँ भाई गिफ्ट जो है सुरेश जी ये कृपया इसको दोनों लोगों को मुझे बुलाना है और भी लोगों को बुलाना है तो ये खुशबू साल भर महकेगी उसके बाद नहीं महकेगी, नहीं उसके बाद तो तो नहीं नहीं हम भाग महक रहेगी एक साल अगले साल दूसरा मिलेगा।
गर्ल साहब आपसे शुरुआत होती है, आप आइए, आप आए गर्ल साहब सामान लेके चला करो, सामान लेके जाइए। क्यों नहीं आए भाई भाभी जी, क्यों नहीं आए भाई, कुछ काम था? अरे ठीक ठीक करो। और इसके अलावा गिफ्ट तो बहुत बचे हुए, कौन अभी किसी को ना मिले हो? धन्यवाद सूर, आप अपना जो भी उद्घाट व्यक्त करना चाहें, इतने बड़े जीवन काल में आपने जो भी अनुभव प्राप्त किए हो। शुक्ला जी के बारे में बता दूं, शुक्ला जी तो ये जो है काम करके इतने चार्ज रहते थे कि इनको आधे घंटे तक शांत करना पड़ता था, और इतने सरल स्वभाव के हैं, ईश्वर पे आस्था सभी को होती है, लेकिन इनकी जो मैंने देखी ईश्वर पे आस्था इतनी ऐसी कि जब मैं इनको लेके आता था गाड़ी से, तो ये रास्ते भर जो है वो हनुमान चालीसा और ये सब चीजें पढ़ते हुए आते थे, जिसका मुझे भी लाभ देता था। शुक्ला जी प्लीज। आप सब लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया, जो जैसे भाई हूँ, और आशा है अगर किसी के साथ कभी कोई बात मतलब वाले बुला देंगे और मुझे उस समय डायबिटीज भी कम होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती थी, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाते थे, इतना मजा आता था हम लोगों को, वो सब चीजें हम लोग अब मिस करते हैं, तो ऐसा ना हो, और हम चाहेंगे कि संजय जी अपने ऊपर दोबारा काम करें प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये स्पीकर ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, यहाँ से सुनते चला है। अच्छा भाभी जी का था ये गाना सुना तो गाना 2 लाइन का भाई संजय आदत पड़ चुकी है ना, वही बोल रहे आदत पड़ चुकी है, बोलो बोलो भाभी जी संजय के लिए 2 लाइन का गाना गा दिया। फ्रेंड्स, I met Sanjay when he was 18 years of age. We both pursued our BCom from the Lucknow University. He was a cute teenage boy of 18 years, and now he is a loving husband, a caring father at the age of 60. Chemistry between me and Sanjay have always been marvelous during the last 42 years. 42 years is a very big period, and today we stand side by side at all times. I would like to tell you that I missed one thing, marvelous wedding, the royal wedding of Sanjay, as at that time I was in MDI pursuing our training. Sanjay was my room partner and he was very excited about his marriage. I really felt bad when he left the training session in between to get married, because he had the reason to take leave and I had no reason to be granted leave by the management. I really missed attending his marriage. Today he is blessed with a daughter and a son and a caring wife, Neeru. I wish Sanjay and his family a very healthy post-retirement life. All the best, Sanjay. Sri Subodh Kumar Shukla ji 31 अक्टूबर को महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और श्री संजय अग्रवाल जी उप महाप्रबंधक वित्त के पद से 31 दिसंबर 18 को सेवानिवृत्त हुए। मैं दोनों ही व्यक्तियों के विषय में आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा। सुबोध कुमार शुक्ला हमारे साथ 1985 में लेखाधिकारी के पद पर आए थे। वो इसी विभाग में पहले एक निम्न पद पर कार्य कर रहे थे,
प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई, उन्होंने उसको उत्तीर्ण किया और लेखाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई और वो लेखाधिकारी से काम करते हुए अपनी सेवाओं के आधार पर उनको इतना पुरस्कार मिला कि वो महाप्रबंधक के पद पर पहुँचे और महाप्रबंधक के पद पर पहुँचते हुए वाराणसी पूर्वांचल निगम जो हमारा है वहाँ से वो GM फाइनेंस के पद से सेवानिवृत्त हुए। सुबोध कुमार शुक्ला जी का स्वभाव मैं ही नहीं हमारे संवर्ग का बल्कि लेखा शाखा सभी उनके स्वभाव की इतनी तारीफ करते हैं कि बहुत ही सौम्य आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, बड़े लगनशील आदमी है। मैं सुबोध कुमार शुक्ला जी के स्वभाव जैसा उनका सरल स्वभाव है, जैसे वो सरल हृदय के हैं और जैसे वो सबके प्रति निष्ठाभाव से काम करते हैं, उनके भविष्य की कामना करता हूँ, सुखद भविष्य की, और ये उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी जीवन में अपने इस स्वभाव से समाज की सेवा भी करेंगे और यदि हमारे विभाग को उनकी कोई ज़रूरत होगी, अनऑफिशियली भी अगर हम लोग उनको किसी विषय पर चर्चा हेतु आमंत्रित करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमको उतना ही सहयोग प्रदान करेंगे जितना वो सेवा में रहते हुए देते हैं। हमारे दूसरे साथी संजय अग्रवाल जी, वो भी 1985 में लेखाधिकारी के पद पर आए, हम लोग एक साथ भर्ती हुए थे और उन्होंने लेखाधिकारी के पद पर आने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, मानक उपाधि है लेखा की, वो पास करी सर्विस पीरियड में और उसके बाद वो वित्त एवं लेखा शाखा में मुख्यतः वित्त के काम करते रहे और उनके कामों से खुश होकर हमारे विभाग ने और ऊर्जा विभाग ने उनको विदेश में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा था। उसके बाद वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए, उसके बाद आने के बाद भी उन्होंने उसी लगन और जो सीखे वहाँ पर उसका लाभ हमारे विभाग को पहुँचाया और अनवरत सेवा करते रहे और उनके जो कार्यशैली थी वो इतनी प्रशंसनीय है कि उनके जो अधिकारीगण थे वो हमेशा उनकी प्रशंसा ही करते थे। उन्होंने भी अपना जो करियर शुरू किया एक अकाउंट्स अफसर से और महाप्रबंधक तक पहुँचे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो व्यक्ति जैसा दिखने में सरल लगता है उसकी हर कार्यशैली ही उतनी सरल है। उसने कारपोरेशन के काम को इतनी निष्ठा से किया है, इतने सजगता से किया है और अपने ज्ञान का उसने भरपूर योगदान दिया। हम उनकी सेवाओं को एज डायरेक्टर फाइनेंस तो कभी नहीं भूल सकते लेकिन उनके व्यक्तित्व को हमारा हर साथी आज भी प्रशंसा करता है और उनका स्वभाव ही उनकी गुणता है, क्वालिटी है उसकी। अगर कोई पूछे कि साहब संजय अग्रवाल में क्या बुराई है तो हमसे कहेंगे उसकी अच्छाई ही उसकी बुराई है। उसमें इतनी अच्छाई है कि उसके अच्छाई के कारण वो कभी किसी काम को उसने ना नहीं किया, उसने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा काम किया इस विभाग में और शीर्ष अधिकारियों ने, उसके सहयोगियों ने सबसे उसको भरपूर सहयोग लिया। जहाँ तक ज्ञान की विषय की बात की जाए तो वो मानक उपाधि से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और परिषद की या कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली से और वित्त की कार्यप्रणाली से पूर्णतया भिग गए। उनका सब्स्टिट्यूट मिलना वर्तमान में तो संभव नहीं। मैं संजय अग्रवाल जी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और मैं अपने प्रबंधन से इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी सेवाएँ मुझे आगे मिलती रहें, कोई ऐसा विकल्प तैयार किया जाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद। दोनों ही साथी जो हमारे हैं वो भाग्य के बहुत धनी, दोनों के दो दो संतानें हैं और जो संतानें हैं वो विलक्षण बुद्धि प्राप्त हैं, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं, बड़े संस्कारी हैं और मैं तो ये तक कहूँगा कि अपने माता पिता से कहीं अधिक बुद्धिमान वो बच्चे हैं और कुशल व्यवहारिक। तो उन बच्चों के सुखद भविष्य और उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करूँगा और ये इनको मैं कहूँगा कि ये ईश्वर के प्रति इनको कृतज्ञ होना चाहिए कि इनको ऐसी संतानें मिली, वरना आज के समाज में लोग रिटायर हो जाते हैं, बच्चे पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते, कम शिक्षित रह जाते हैं। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के जो संतानें हैं बहुत उच्च शिक्षित हैं और इस तरह से शिक्षित हैं कि वो अपने में सबल हैं, वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, इनको उनके भविष्य के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ तक इनकी
पत्नियों का सवाल है जिसको हम लोग भाभी जी कहते हैं, वो बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं, बहुत ही पारिवारिक है और हम लोग सब मिलके एक परिवार की तरह हमने अपना जीवन, कार्यालय का जीवन भी अपने परिवार की तरह निभाया है। तो हम तो समझते हैं कि हमारे परिवार का एक सदस्य एक अल्प विराम ले रहा है काम के प्रति, लेकिन वो हमसे जुड़ा रहेगा हमेशा। थैंक यू सर। संजय जी भावुक पवन में बोलने के लिए जो है कंफर्टेबल नहीं है भैया, माइक जरा भाभी जी को। हाँ भाभी जी, भाभी जी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी दो लाइन जरूर कहूंगी। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। बहुत बढ़िया भाई, पार्टी में एकदम जान आ गई, क्या बात है, कोई मधुर आवाज आके रही बात अच्छी, इतनी मधुर आवाज में। शुक्ला जी ने एक बार जब एनडीआई से जब आ रहे थे तो शुक्ला जी ने एक बार गाना हम लोगों को कहने को सुनाया था, तो फिर हम लोग सब साथ हैं। शुक्ला जी प्लीज। दूर रह कर मैं करो बात, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज जलवास में बस में करीबा जाओ। शुक्ला जी की भावनाएं जो है वो इतनी बढ़िया तरीके से व्यक्त हुई है। भाभी आदरणीय भाभी जी लोगों से कोई आदमी बोलना चाहे कोई बोलेगा, भाभी जी बिना माइक और बोले ये वाली भाभी जी हमारी तो बहुत ही कल्चर है क्योंकि इसमें ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उनकी जो दूसरी पारी जिंदगी की शुरू हुई है उसे भी आप बहुत अच्छे से करें ताकि आप दोनों का प्यार आपस में और दोबारा से बढ़ जाए। जो बीच में समय व्यस्तता निकल गई उस व्यस्तता में अगर कुछ आप भूल गए तो उसे अब आप पूरा करिए, ये मेरी आपसे अरे भैया नंद बाबा एक वेलकम वेलकम। हर खुशी हो महान तू जहां भी रहे, हर खुशी हो महान तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, तेरे मुझे इसलिए है पसंद यदि
काहे के खम गणवायो रे काहे के खम गणवायो रे काहे की लगी डोर ना प्यारी रे काहे की लगी डोर ना प्यारी रे चंदन के खम गणवायो रे चंदन के खम गणवायो रे रेशम की लगी डोर प्यारी रे रेशम की लगी डोर ना प्यारी रे हिंडोला कुंज वन डारो रे झूलने आई रा दिखा प्यारी ये नीति को बात हो ही गई है तो थोड़ा सा कुछ कहीं कुछ अगर कुछ नया बनाया हो तो कृपया देखो सुनाए आदरणीय दुमिरी साहब। सभी लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए और बहुत अच्छा लगा। ठीक देखिए जब आयु अधिक हो जाती है तो जीवन साथी का महत्व जब आयु कम रहती है तो अन्य साथी का महत्व रहता है। तो किसी शायर ने कहा है तो मैं ये मेरा नहीं है मैं लिख नहीं पाया मैंने कहा था आप लोगों से लेकिन जो बोल है उसको सुनिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या उद्गार होते हैं कि लाइफ पार्टनर की क्या वैल्यू है जीवन में उसको किसी शायर ने कहा है उसको मैं आपको सुनाऊंगा। तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा दूर तक तन्हाइयों का दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। अब सुनिए दर्द की सारी तहें और सारे गुजरे हादसे दर्द की सारी तहें और सारे गुजरे हादसे सब धुआं हो जाएंगे एक वाकिया रह जाएगा सब धुआं हो जाएंगे एक वाकिया रह जाएगा। कहना वो चाह रहा है देखिए जितनी आपकी जीवन में बीती थी चीज़ें और जितने हादसे गुजरे थे ये सब खत्म हो जाएंगे और एक वाकिया की तरह आपके ज़िंदगी में रह जाएगी ये चीज़। आगे उसने कहा यूं भी होगा अब वो साथी चला गया है इस दुनिया को छोड़ के चला गया है यूं भी होगा वो मुझे दिल से भुला देगा मगर यूं भी होगा वो मुझे दिल से भुला देगा मगर ये भी होगा खुद उसी में एक खला रह जाएगा। खला कहते हैं एक गैप को कि ये भी होगा खुद उसी में एक खला रह जाएगा तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। आगे कि दायरे इनकार के
इकरार की सरहोशियां दायरे इनकार के इकरार की सरहोशियां ये अगर टूटे कभी तो फांसला रह जाएगा ये अगर टूटे कभी तो फासला रह जाएगा तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा है ना आशीर्वाद मान लिया धन्यवाद मान लिया इसके बाद जो है आप लोगों का खाना जो है रेडी है आप लोग जो है अपने हिसाब से भयंकर है बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं लोग भयंकर भयंकर सबसे पहले तो मैं दोनों के बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे प्रिय शुक्ला जी असल में जब हमारा बैच बना तो उस दौरान सब लोगों का एक वो हो जाता है कि भाई कौन किस तरह का है तो शुक्ला जी के बारे में ये दोहराए किसी की नहीं हो सकती कि बड़े सरल आदमी के हैं उनसे कभी भी कोई बात नहीं बड़े सालिकता से उन्होंने हमें साथ लिया उसका प्रशासन में जब थे हमसे कोई उनसे जरूरत पड़ती थी तो तुरंत उसको बड़े शीर्षक सुनते थे और करते थे तो उनको बड़ा आनंद आता था और संजय अग्रवाल के बारे में बताऊँगा कि हमारे बैंक में ये सीनियर पीस बना है जो बहुत ही सरल स्वभाव का इंटेलिजेंट कभी हम लोग डिस्कॉम में रहे हैं तो कभी कोई अकाउंट्स या फाइनेंस रिलेटेड को भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो संजय भाई अपना किस्सा है एमबीआई में एक टॉपिक चल रहा था एक नया लेक्चर चल रहा था सब लोग बैठे हुए थे अचानक जो लेक्चर दे रहे थे प्रोफेसर साहब के साथ आगव जी थे उनका ध्यान गया कि ये कौन हंस रहा है ये कौन मुस्कुरा रहा है पीछे से आवाज आई साहब ये संजय अग्रवाल है जिनकी अभी भी शादी हुई है और ये हनीमून से लौटे हैं सर चले इसलिए तो इनका जवाब नहीं है अब मैं मोते की बात कर रहा हूँ कि वो चला गया है अभी जो है पिछले जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि अगला फंक्शन आगरा में होगा अभी सब लोग बैठे हुए हैं मुझे तय करके बता दीजिए कि सेट में कितने लोग आएंगे और क्या क्या होना है सब लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपनी कन्फर्मेशन अपना बता दें आइडिया वो आइडिया सेलेक्ट हो गए हो जाएंगे और उस हिसाब से फंक्शन हो जाएगा लेकिन अपनी प्रेजेंस और अपने सजेशन जरूर दें किस तरह का प्रोग्राम कब और कहाँ चाहते हैं वो प्रोग्राम हो जाएगा इसलिए मैं आज ये अनाउंस करता हूँ और ये अब जो मेरे पर कॉल बोले की गई है आयोजक को बताता हूँ कि वो बताए मेरे को इस बार डीजे प्रोग्राम पूरा चेक आउट करके यहाँ भेज दीजिए आयोजकों को हम लोग आपकी सब हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं एग्जीक्यूट कर देंगे धन्यवाद बोलो देखिए ना तो यहाँ कोई कार्यकारिणी बनी है ना कोई आयोजक है ये आपस में हम जिम्मेदारी ले लेते हैं वो सब इंतजाम करते हैं नंबर वन जहाँ तक आपने कहा कि कहाँ करना है कौन कौन आएगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कौन आएगा कहाँ नहीं आएगा बट इस बार चूंकि अब नेक्स्ट आगरा में करने का प्रोग्राम है तो मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे आपके बोलने के समय समय तो डॉक्टर साहब ने जो सजेशन दिया है तो उसमें विस्तार से डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि इसमें कैसे करा जाए इंडिविजुअल देखिए एक घर में जैसे मुखिया होता है किसी घर में हस्बैंड होता है किसी में घरवाली होती है दोनों में अलग अलग है सब जगह से तुम्हारे में क्या है देखिए वो इंडिविजुअल क्वेश्चन है बट हम लोगों पे या पूरे बैच में हमारे यहाँ मुखिया अभी आप ही है तो ये जो फाइनल करते हैं फाइनल हो जाएगा
और जिसके घर में अलग अलग जो पूछ रहा है वो तो बाद में बात कर लेंगे, इसमें सबके सामने बोलोगे, मैं कहूंगा मैं हूँ, वो कहूंगा, अभी लड़ाई हो जाएगी, क्या फायदा होगा। अभी प्रवासा लेके पकड़ के घूम रहे थे उसको, मैंने कहा नहीं उनको दे दो, वो पकड़ लेंगे, बात करा लो, तो उसमें कोई बात नहीं है, मैं बोलूँ कुछ और आप लोग समझ लेंगे कुछ और, तो क्या फायदा है। जी डॉक्टर साहब बताओ। इकतीस मई को 2019 में जो बाहर से लोग आते हैं उनकी भी सुविधा और सुगमता का हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग मुख्यालय के हैं तो उनके बॉस नहीं, हम उनके साथी हैं। और ये आयोजन यदि हमारे डिस्कॉम मुख्यालय के शहरों में होगा तो उससे एक संदेश जाता है हमारे अन्य संपर्कों को कि हम लोग अपने सेवन व्यक्ति पर किस तरह से भव्य आयोजन करते हैं, क्या हमारे उद्गार होते हैं अपने साथियों के प्रति, एक संदेश जाता है, एक अच्छा संदेश जाएगा। तो आगरा में जून के महीने में सेकंड सैटरडे के दिन में ये प्रोग्राम किया जाए ताकि जो लौट के अगर मुख्यालय की किसी को कोई भाग दौड़ के काम है या कुछ ऐसे काम है कि भाई वो यहाँ से नहीं जा सकते तो दिन में प्रोग्राम रखा जाए, उसका पीरियड रखा जाए 12 बजे से 4 बजे, सब लोग पहुँच सकते हैं। आगरा लखनऊ से 3 या 4 घंटे का यात्रा है और वहाँ से अपनी यात्रा अपने हिसाब से अपने बना लें, वो लोग अपना संडे तक आ जाए और मंडे को अपने अपने कार्यालयों में व्यस्त हो। तो अगला जो सेवानिवृत्ति का आयोजन होगा वो आगरा में और सेकंड सैटरडे जून में होगा, उसकी तिथि कैलेंडर में लिखी हुई है। हम लोग सब आपस में प्रोग्राम बना के, डी के अग्रवाल जी चूँकि स्वयं सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो इनको तो जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये हमारे अतिथि होंगे उस समय, ये हमारे लिए मान्य होंगे और इनके अधीन काम करने वाले दिनेश रस्तोगी जी हैं, इनका नैतिक दायित्व तो बनेगा कि उस जिम्मेदारी को ओढ़ें। और वहाँ पर जो निदेशक वित्त हैं केसी पांडे जी, उनके सुपरविजन में सारे कार्यक्रम होने चाहिए और इस तरह से कार्यक्रम को हम लोग निश्चित करते हैं और मेरे ख्याल से हमारे सभी साथी इसको स्वीकार करेंगे। स्वागत है का भी अरेंजमेंट होगा और रात का भी दोबारा प्रोग्राम होगा ऐसे क्योंकि सेकंड सैटरडे है। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उनका धन्यवाद हम करते हैं कि आगरा में पिछली बार कहा गया था हो नहीं पाया लेकिन इस बार हमें एक मौका मिला है। पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि एक दिन रुकिए और बिंद्रा मथुरावंत घुमाने की जिम्मेदारी मिली रहेगी। इसी साथ हम पूरा एक बार सुन लिया था, कहते हैं कि हमको आगरा मिलेगा ये काम। द्विवेदी साहब ने तो आगरा इसलिए सेट किया है कि उनका ससुराल है, तो एक पद को काज हो जाए ससुराल में भी हाजिरी लग जाएगी। लेकिन ये जो प्रोग्राम आप लोग विचार कर रहे हो जिसके बारे में, ये सितंबर के महीने में किया जाए और इसमें चारों डिस्कॉम के जो निदेशक वित्त हैं या जो उस समय निदेशक वित्त के ऐसे ऐसे काम करेंगे उनको जिम्मेदारी दी जाए कि वो लोग सब मिलके और कोई एक स्थान तय कर लें, कुछ जरूरी नहीं है कि लखनऊ में ही, जो स्थान वो तय करेंगे हम लोग सब वहाँ पहुँचें, वो ही उत्तम होगा। हम किसी को क्यों बात करेंगे आप यहाँ पे करो कि गोल्डन ब्लॉसम में करो, स्थान सब जगह हैं, अच्छे अच्छे स्थान हैं और मूवमेंट जब आप करेंगे तो अच्छे स्थान का ज्ञान और अनुभव आपको प्राप्त होगा। उसका सेकंड इशू आएगा तो हमारा सभी से करबद्ध प्रार्थना अनुरोध है कि गीत कविताएं लेख और अपने बच्चों के बारे में अपडेशंस वो जो है उस समय हमें आवश्यक होगा क्योंकि वो सामग्री जब तक आपसे मिलेगी नहीं तब तक हम उसको प्रिंट नहीं करवा पाएंगे। तो उसके लिए आप अभी से जो है गीत कविताएं और अपना लेखन कुछ अपना हो मौलिक हो उसका बहुत स्वागत है। ये सुरेंद्र कुमार साहब जो मरीज छपवाने में उनका विशेष सहयोग रहता है, सुरेंद्र कुमार साहब को धन्यवाद। भोजन के लिए आप लोग कर लें, भोजन कर लें, ईश्वर की कृपा स्वतः प्राप्त होती रहेगी। जैसा कि हमारे बॉस ने कहा कि आपको सुपात्र और सुपुत्र, सुपात्र सुपुत्र मिले हैं, सुपात्र बेटी मिली है,
और दामाद भी उसी तरह से मिले हैं, तो ये ईश्वर की विशिष्ट कृपा है। तो जीवन में रामचरितमानस के माध्यम से आज चुकी बात आ गई, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपके जीवन को सुखमय बनाएं, आपके जीवन को निरोगी रखें, आपको अपने चरणों में स्थान दिए रहें और आप उनसे जुड़ करके समाज की सेवा करते रहें। इस बात के साथ मैं विराम देता हूँ, धन्यवाद। खैर वो तो अब समय ऐसा हो गया, जब मैं अपने आप में होता हूँ ना मस्त, तो जब मैं करता हूँ ना तांडव हिसाब से, तो इसको साक्षात रूप भी आप देख लेंगे ना। कभी कहता नहीं ना मुझे कहने की, पता नहीं कैसी मेरी बुद्धि में ये बात आएगी ही, जब चर्चा होगी तो देख लेते ना इस चीज को। Thank you.